तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है फैसल और मैं हूं यासर और हम एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, पाकिस्तान मिलिट्री वर्सेस इंडिया मिलिट्री कंपैरिजन 2020 मतलब कि 2020 और इनका कंपैरिजन हम लेके आए हैं। बहुत ही अलग किस्म की वीडियो होने वाली है, आप जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, कहीं से भी स्किप नहीं करिए, ठीक है ना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, कि ले लें हमें बताएं, कमेंट में बताएं आपका ज़्यादा टाइम लें अगर आप फारिग हैं तो टाइम ज़्यादा ले लेंगे, कोई बात नहीं, हम भी फारिग ही हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलो वीडियो शुरू करते कर ले। नहीं भाई कर ही लो। अच्छा कर ले वाकई में ना। ऐसे मुल्क जिनके पास जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी के जंगी हथियार मौजूद हैं, हम इस वीडियो में पाकिस्तान और इंडिया के जंगी हथियार का कंपैरिजन करेंगे। इसमें दोनों मुल्कों की एक्टिव मिलिट्री, बजट, लैंड इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, नेवी इक्विपमेंट्स और इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन का भी कंपैरिजन करेंगे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और खुद फैसला कीजिएगा कि कौन सा मुल्क ज़्यादा पावरफुल है। इंडिया 1.27 मिलियन स्क्वायर माइल्स पर फैला हुआ है, जो कि इसे दुनिया में ज़मीनी रकबे के लिहाज से सातवां बड़ा मुल्क बनाता है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान इंडिया के कंपैरिजन में एक छोटा मुल्क है, इसका ज़मीनी रकबा 3,07,374 स्क्वायर माइल्स है। पॉपुलेशन के हिसाब से भी इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, जो कि इसे दुनिया में चाइना के बाद सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क बनाता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है। पर जब दोनों मुल्कों को मिलिट्री एम्प्लॉयज़ की तादाद के लिहाज से देखा जाए तो इनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं। पाकिस्तान के पास इस वक्त 6,53,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है और इसके अलावा 5,13,000 रिजर्व मिलिट्री पर्सनल है। दूसरी साइड पर चाहे इस वक्त इंडिया के बिलियन प्लस पॉपुलेशन है, पर इसकी एक्टिव मिलिट्री पर्सनल आबादी के लिहाज से बहुत कम है। इंडिया के पास तकरीबन 1.4 मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है और रिजर्व मिलिट्री पर्सनल 1.15 मिलियन है। और ये इंडिया को यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी एक्टिव मिलिट्री बनाती है। पर पाकिस्तान मुल्क ज़्यादा पीछे नहीं, पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी एक्टिव मिलिट्री है। पैरामिलिट्री फोर्स की वजह से इंडियन मिलिट्री को एक बूस्ट मिलता है। इसकी पैरामिलिट्री फोर्स की तादाद तकरीबन 2 मिलियन है, जिनका मकसद मुल्क में अमन अमान कायम करना है और बॉर्डर पर मुल्क की हिफाजत करना है। इसी तरह पाकिस्तान के पास तकरीबन 4 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है, इनका मकसद भी बॉर्डर पर सिक्योरिटी और मुल्क के दूसरे मामला संभालना है, जैसे कि मुल्क में स्मगलिंग वगैरह को रोकना भी इनका ही काम है। बगैर किसी शक के इंडिया जो कि दुनिया में 5th लार्जेस्ट GDP है, इसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा पैसा अपनी मिलिट्री पर खर्च कर सकता है। इंडिया इसका टोटल GDP 2.972 ट्रिलियन डॉलर है, उसमें से 62 बिलियन डॉलर अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। और ये बजट एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगले आने वाले सालों में और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया इस वक्त अपने मुल्क का पैसा अपने लोगों पर खर्च करने की बजाय मिलिट्री पर खर्च करने पर फोकस है। इसी वजह से ये चीज़ इंडिया को दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलिट्री पर खर्च करने वाले मुल्कों में से 5वां बड़ा मुल्क बनाती है, जो कि चाइना और USA जैसे मुल्कों से अभी पीछे है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का GDP कम होने की वजह से डिफेंस बजट बहुत ही कम है। पाकिस्तान का टोटल GDP सिर्फ 330 बिलियन डॉलर है, जो कि इंडिया से 8 गुना कम है, और फिर जिसमें डिफेंस बजट तकरीबन 11 बिलियन डॉलर है। इसका मतलब कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा अपनी मिलिट्री पर खर्च कर रहा है। जंगी साजो सामान के लिहाज से इंडिया अपने पुराने मिलिट्री इक्विपमेंट्स, जिसको दुनिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इसको इम्प्रूव और अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, और वो हर साल नई से नई टेक्नोलॉजी इसराइल, अमेरिका और रशिया से ख़रीद रहा है। इंडिया के पास 4,184 टैंक, 6,704 आर्मर फाइटिंग व्हीकल्स, 290 सेल्फ प्रॉपर गन्स, 7,414 टॉर्ड आर्टिलरी और 292 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कम बजट होने के बावजूद पाकिस्तान में लैंड इक्विपमेंट नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर ये माना जाता है कि पाकिस्तान के लैंड इक्विपमेंट इंडिया की मशीनरी जितनी एडवांस नहीं, पाकिस्तान के पास 2,924 टैंक्स, 3,665 आर्मर फाइटिंग व्हीकल्स, 465 सेल्फ प्रॉपर गन्स, 3,278 टॉर्ड आर्टिलरी और 134 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा पावरफुल
और एडवांस टैंक अल खालिद मेन बैटल टैंक है, जिसे पाकिस्तान की आर्मी की बैकबोन समझा जाता है। दूसरी तरफ इंडिया के पास सबसे ज़्यादा पावरफुल मशीनरी अर्जन MK2 थर्ड जनरेशन बैटल टैंक है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हालात हाजिर को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। लैंड इक्विपमेंट्स के बाद इंडिया के पास नंबर्स के लिहाज से एयर इक्विपमेंट में पाकिस्तान पर एडवांटेज है। इंडिया के एयरफोर्स के पास 2216 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट के लिहाज से चौथे नंबर पर आता है। इसमें इंडिया के पास 323 फाइटर एयरक्राफ्ट, 329 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, 694 अटैक एयरक्राफ्ट और 725 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 1143 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 186 फाइटर एयरक्राफ्ट, 225 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, 90 अटैक एयरक्राफ्ट और 323 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। पर टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया पाकिस्तान से भी बहुत पीछे है। इंडियन फ्लीट में रशियन मेड सुखोई SU-30 MKIS और मकान MIG-29S और मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट द फ्रेंच मल्टी रोल फाइटर रिसॉल्व 2000 इंडिया के पास मौजूद हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के पायलट्स को दुनिया में सबसे बेहतरीन पायलट्स माना जाता है। ये तो बात है। इसका मुजाहरा हमने पाकिस्तानी फ्लीट में F-16 फाइटिंग फाल्कन, PAC-JF-17 थंडर और कुछ पुराने मॉडल के फ्रेंच मिसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान को इन एयरक्राफ्ट को इंडिया से एडवांस तो कहा जा सकता है, पर दुनिया में इससे बहुत आगे की टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्कों के पास मौजूद है। पर पाकिस्तान एक एरिया में दुनिया की टेक्नोलॉजी के साथ कम्पीट कर रहा है और वो हैं इनके हेलीकॉप्टर्स। पाकिस्तान के पास दुनिया के मोस्ट एडवांस हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान के पास 52 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें AH-1S कोबरा और AH-1Z वाइपर्स इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली 30 मोस्ट एडवांस तुर्किश मेड P-129 हेलीकॉप्टर की डील साइन की हुई है, जो कि जल्द पाकिस्तान में आ जाएंगे। दूसरी तरफ इंडिया के पास सरप्राइजिंगली सिर्फ 18 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें अपाचे हेलीकॉप्टर और MI-35 इंडिया के मेन हेलीकॉप्टर्स हैं। बहरी ताकत के लिहाज से इंडिया को दुनिया की बेहतरीन नेवीज में शुमार किया जाता है और पाकिस्तान भी इस बात का इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान भी अब आउटडेटेड शिप्स को एक्सक्लूड करके न्यू टेक्नोलॉजी की शिप्स अपनी नेवी में शामिल कर रहा है और इंडिया भी आने वाले वक्तों में बहरी जंगी खतरों की वजह से मजीद अपनी नेवी को बेहतर करने के लिए नए से नए बैरी जहाज खरीद रहा है। इंडियन नेवी में तकरीबन 67,000 एक्टिव पर्सनल मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के लिहाज से तकरीबन 2 गुना की तादाद में हैं। पाकिस्तान के पास टोटल 38,000 एक्टिव पर्सनल हैं। इक्विपमेंट के लिहाज से इंडियन नेवी के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 0 क्रूजर्स, 14 डिस्ट्रॉयर्स, 14 फ्रिगेट्स, 16 सबमरीन्स, 23 कॉर्वेट्स, 0 एम्फीबियस असॉल्ट शिप, 7 माइन वारफेयर शिप्स और 72 पेट्रोल शिप्स हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान नेवी के पास 0 एयरक्राफ्ट कैरियर, 1 क्रूजर, 0 डिस्ट्रॉयर, 10 फ्रिगेट्स, 8 सबमरीन, 0 कॉर्वेट्स, 0 एम्फीबियस असॉल्ट शिप, 3 माइन वारफेयर शिप्स और 17 पेट्रोल शिप्स इंक्लूडेड हैं। इंडिया और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शुमार होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हालांकि दोनों मुल्कों के पास रशिया, चाइना और USA के लिहाज से बहुत ही कम न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पर इस वक्त पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान के पास 140-150 तक न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इंडिया के पास 120-130 तक न्यूक्लियर वेपन्स हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट कहते हैं कि दोनों मुल्कों के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो किसी काम के नहीं, मतलब कि वो रिटायर या फिर डिसमेंटल होने के काबिल हो गए हैं। इंटरेस्टिंगली लास्ट टाइम जब दोनों मुल्कों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे वो एक ही साल 1998 में किए थे, पर पाकिस्तान के पास एक ऐसा इक्विपमेंट मौजूद है इंडिया के लिए खौफ का बाइस बना हुआ है। वो ये है कि पाकिस्तान में स्टॉकपाइल ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के पास शहीन तरीन मिसाइल है, जिसकी रेंज 2700 किलोमीटर है और ये पूरे इंडिया के अलावा ईरान, इराक और बांग्लादेश पर अटैक करने की साइज भी रखता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास अबाबील मिसाइल है, जो कि इंडिया के लिए खौफ का बाइस बना हुआ है। इस मिसाइल की रेंज 2200 किलोमीटर है, पर इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसमें MIRV टेक्नोलॉजी, मतलब कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल की टेक्नोलॉजी मौजूद है। बाकी नॉर्मल मिसाइल एक वक्त में एक बार हेड ले जाने की कैपेसिटी रखते हैं, पर ये अबाबील MIRV मिसाइल एक वक्त में 3 से 12 तक भी वार हेड ले जाने की कैपेसिटी रखता है। जी हाँ, 3 से 12, और ये MIRV मिसाइल इंडिया अभी तक बनाने में नाकाम रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी रिसेंटली हतफ-9 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया है, जो कि एक शॉर्ट रेंज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, जिसकी रेंज 60-70 किलोमीटर है। दूसरी तरफ इंडिया के पास अग्नि 4 मिसाइल है,
इसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक है और ये पूरे पाकिस्तान के किसी भी शहर पर अटैक करने की साइज रखता है। इसके अलावा इंडिया के पास अग्नि 5 मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 टू 8000 किलोमीटर तक है, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान और चाइना बल्कि यूरोप पर अटैक करने की कैपेसिटी भी रखता है। और इस मिसाइल पर अभी MIRV टेक्नोलॉजी के काबिल बनाने पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा इंडिया के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। पर इस मिसाइल की खास बात यह है कि दुनिया का सबसे तेज तरीन मिसाइल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इंडिया और पाकिस्तान के बारे में नोटिस करने वाली ये है कि इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता है। इसका मतलब कि इंडिया किसी दूसरे मुल्क पर पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता। दूसरी तरफ पाकिस्तान को इस पॉलिसी की कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, मतलब कि पाकिस्तान किसी भी दूसरे मुल्क पर पहले न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। पर लेट्स सपोज अगर जंग हो भी जाती है तो ये अनक्लियर है कि जंग के वक्त इंडिया के अलाइज कौन होंगे और पाकिस्तान का साथ कौन देगा। अमेरिका और चाइना पाकिस्तान के सबसे बड़े वेपन सप्लायर हैं और रशिया, इसराइल और अमेरिका इंडिया के सप्लायर हैं, पर सप्लायर का मतलब ये नहीं कि वो जंग के वक्त उनका साथ देंगे। और इस वीडियो के आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान तकरीबन पिछले 20 सालों से ज़्यादा हालात जंग में था और इस वक्त हाई रैंक्स में बैठे हुए आर्मी के तमाम ऑफिशर्स खुद इन जंगों का हिस्सा रह चुके हुए हैं। तो वार स्ट्रेटजीज़ में पाकिस्तान का एक्सपीरियंस इंडिया से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर वार स्ट्रेटजी की बात की जाए तो दुनिया के एनालिस्ट इस बात का इकरार करते हैं कि मुशर्रफ का कारगिल वार प्लान दुनिया का सबसे बेहतरीन वार प्लान कंसिडर किया जाता है। और अगर उस प्लान में पाकिस्तान के सियासतदान रिकवर ना बनते तो आज कश्मीर पर पाकिस्तान का कंट्रोल हो सकता था। और मुशर्रफ के बारे में मज़ीद ऐड करता जाऊँ कि रिटायरमेंट के बाद मुशर्रफ को अमेरिका में वर्ल्ड अफेयर्स एंड स्ट्रेटजी के एक 40 मिनट के लेक्चर पर $200,000 दिए जाते थे, जो कि पाकिस्तान 3 करोड़ रुपया बनता है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान ने ऐसे शख्स की कदर नहीं की, पर दुनिया को उसकी कदर थी। और इसी तरह मुशर्रफ के जैसे इस वक्त हाई रैंक्स में पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशर्स बैठे हुए हैं जिनका एक्सपीरियंस और बेहतरीन स्ट्रेटजी का नमूना हमने ज़रब अज़ब की शक्ल में देखा और फिर फरवरी 2019 में अभिनंदन की शक्ल में भी हमने देखा था। तो आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क इस वक्त ज़्यादा पावरफुल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और हालात हाजरा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो तो ख़त्म हो गई। दोस्तों वीडियो तो ख़त्म हो गई है और बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई थी वो जिस चैनल, मतलब के बंदे ने ये वीडियो बनाई थी, उस चैनल का नाम है हालात हाजर, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जो आपको देखने के लिए ज़रूरत पड़ जाएगी। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ये इनका कंपैरिजन जो हमने कहा था कि करेंगे, दोनों मतलब के लिहाज से दोनों अच्छे मुल्क हैं और इंडिया के पास मतलब थोड़ा सा एडवांस है मगर इतना पावरफुल नहीं है कि उनकी आर्मी अभी इतनी तजर्बाकार नहीं हुई कि वो चला सकें। पाकिस्तान की आर्मी ज़्यादा तजर्बाकार है, वो उनके ऑफिशल जो है ना पाकिस्तान के, लेकिन जो इंडिया की जो आर्मी है उनके सब चीज़ें ज़्यादा हैं उनके पास है। हेलीकॉप्टर के लिहाज से वो थोड़े कम हैं, बाकी हर चीज़ के लिहाज से वो सही है। आगे हम मानते हैं आगे हैं, पर इतना आगे नहीं है कि पाकिस्तान से आगे निकल जाए। तो चलो गाइस इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और हमारी पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें। आई बटन पर ऊपर आई बटन हमने दिया, इधर या इधर इधर पता नहीं यार, जिधर भी होगा ना आप आई बटन में क्लिक कर लें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसी बनती है, ये बताया करेंगे कैसी बनती है। तो हमें जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।